पांडियन का दोहरा चरित्र, दिन में समाज सेवक, रात में लड़कियों के साथ नाच। हम बता रहे हैं नवी मुंबई में डांस बार ऑर्केस्ट्रा बार के खिलाफ अभियान चलाने वाले आर पांडियन के बारे में, जो भारतीय जनहित कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी के सर सेनापति है। ये दावे करते हैं कि हम डांस बारों में चल रहे गलत कामों को बंद करेंगे, क्योंकि ये डांस बार और ऑर्केस्ट्रा बार कानून की गाइडलाइन का पालन नहीं करते और खुलेआम इन बारों में लड़कियां अश्लील डांस करती है और यहां आने वाले ग्राहक उन पर नोट उड़ाते हैं, जिसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, वहां से ऑर्डर लाएंगे और इन बारों में चल रहे गलत कामों पर नकेल कसेंगे। मगर दूसरी तरफ इन्हीं आर पांडियन का नवी मुंबई के पाल्म्स अटलांटिका नामक हुक्का पार्लर पब में एक लड़की के साथ डांस करते हुए एक वीडियो वायरल होता है। तो ये वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महानगर के संपादक विशाल सिंह को ये कहकर उस वीडियो को डिलीट करने को कहते हैं कि मेरा पर्सनल वीडियो क्यों वायरल किया, वीडियो में मेरे साथ डांस करने वाली मेरी रिश्तेदार है, उसका बर्थडे था, उसके कहने पर कि अंकल मेरे साथ डांस करो, तब मैं उसके साथ डांस कर रहा था। हम आपको वो वीडियो दिखा रहे हैं, आप वीडियो देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि अंकल कहने वाली रिश्तेदार के साथ आर पांडियन किस तरह नाच रहे हैं। इसके साथ ही हम आपको आर पांडियन का इसी पाल्म्स अटलांटिका का हुक्का पार्लर पब का दूसरा वीडियो दिखा रहे हैं, जिसमें आर पांडियन एक दूसरी लड़की के साथ नाचते नजर आ रहे हैं। क्या आर पांडियन इस वीडियो में डांस करने वाली लड़की को भी अपना रिश्तेदार बताकर और अपनी पर्सनल लाइफ बोलकर इस वीडियो को डिलीट करने को कहेंगे, जिस तरह से पहले वीडियो को डिलीट करने को कहा, वीडियो डिलीट न करने पर करोड़ों रुपए की मानहानि करने की धमकी दी। आपको बता दे इन्हीं आर पांडियन पर नवी मुंबई होटल ऑनर एसोसिएशन ने 16 दिसंबर 2021 को होटल बार एंड रेस्टोरेंट में जाकर हंगामा, धमकी देकर हफ्ता मांगने और वहां काम करने वाली महिला कर्मचारियों को शारीरिक मानसिक तकलीफ देने की शिकायत नवी मुंबई कमिश्नर डीसीपी वाशी विभाग, डीसीपी पनवेल विभाग, वाशी पुलिस थाने, एपीएमसी पुलिस थाने, कोपरखेरना पुलिस थाने में दर्ज कराई है, जिसकी कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। बता दे कि इन्हीं आर पांडियन पर चेंबूर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 143, 147, 149, 151, 284, 353, 332, 436 और 420, 465, 467, 471, 507 के तहत केस दर्ज है। वहीं इसी पुलिस स्टेशन में आर पांडियन के खिलाफ 504, 506 के तहत 4 एनसी दर्ज है। चुनाभट्टी पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 153 ब्रैकेट ए
ब्रैकेट बी 34 के साथ विद्रूपण अधिनियम की धारा 34 के साथ विशेष स्थानिक आईपीसी की धारा 37 ब्रैकेट 135 के तहत केस दर्ज है। गोवंडी पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 420 188 34 के साथ 135 के तहत केस दर्ज है। नेहरू नगर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 324 34 420 504 506 34 307 353 333 143 147 148 149 294 140 34 के तहत केस दर्ज है। तिलक नगर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 323 के तहत एनसी दर्ज है। आरसीएफ पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 141 143 147 148 149 323 427 और विशेष स्थानिक गुनाह की धारा 34 विद्रूपण कायदे के साथ 37 ब्रैकेट 135 के तहत केस दर्ज है। आर्थिक गुनाह शाखा में आईपीसी की धारा 467 468 471 420 120 ब्रैकेट बी 419 201 के तहत केस दर्ज है। आर पांडियन पर भांडू पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 420 34 के तहत केस दर्ज है। तो वहीं नवी मुंबई के वाशी पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 420 34 के तहत केस दर्ज है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस इंसान पर इतनी गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज हो और वह अपने आप को समाज सेवक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहकर डांस बार ऑर्केस्ट्रा बार में चल रहे गलत कामों को कानून का डर दिखाकर बंद करवाने की बात करता है। एक तरफ आर पांडियन डांस बारों ऑर्केस्ट्रा बारों को देर रात खुले रहने पर कानून के नियम बताते हैं और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करते हैं और फोन पर कबूल करते हैं कि वो अपने दोस्त निकुंज के वाशी 17 प्लाजा में चलने वाले पल्स अल्टानिका हुक्का पार्लर पब में देर रात 2 बजे के बाद जाकर लड़कियों के साथ डांस करते हैं। ये वही आर पांडियन है जिन्होंने महाराष्ट्र नाविक कामगार संगठन सेवन सीज कंपनी खोलकर लोगों को बाहर भेजने के नाम पर 21 लोगों से 12,18,478 रुपए ठग लिए हैं। इस मामले में आर पांडियन पर चेंबूर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 420 504 506 34 के तहत केस दर्ज है, जिसकी FIR कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दे पुलिस महानगर के ट्विटर हैंडल से आर पांडियन का लड़की के साथ डांस वाला वीडियो वायरल होने के बाद आर पांडियन ने पुलिस महानगर के संपादक विशाल सिंह को फोन पर वायरल वीडियो के बारे में बात करते हुए कहा कि मेरे पर्सनल लाइफ का वीडियो क्यों चलाया, क्या मैंने किसी लड़की का रेप किया है या किसी के साथ सोते हुए पकड़ा गया हूं? जो आपने ये वीडियो चलाया, अगर 24 घंटों में इस वीडियो को ट्विटर से डिलीट नहीं किया और माफी नहीं मांगी तो मैं तुम पर करोड़ों रुपए की मानहानि का केस कर दूंगा। आर पांडियन द्वारा फोन पर की गई बातचीत हमारे पास मौजूद है। आप सोच सकते हैं दूसरों को कानून का डर दिखाने वाला खुद कितना बड़ा कानून तोड़ने वाला है।